कलसन वाली झुटाई का धूल उड़ा रही हो पर कहीं गाय के अरे कलसन वाली ऐसी जगह पे कुंडली रखी कहाँ है अभी यही बक्सा में रखे हैं अभी तक दवाई डालो उनके सामने मेरा खावा चीज दिखाई नहीं पा रहा हमका ना ही दिखाई दे हमका ना ही समझ में आ रहा था कहाँ रखे हैं हाँ कुंडली ही है तो जी वही कुंडली है ना एक कसन वाली तुमका समझ में ना ही आवा था तुमका याद भी ना ही रहा था बबली का ब्याह हो गया ना तुमका सब याद हो जाएगा मिठा जी हम तब से कह रहे कि हमका याद नहीं रहा था हम पहले जान दिल जान लगाई जा रही ज्यादा बोलिए ना तो इन्हें तुमने मुंह पर डाल के पापड़ बनाई थी कसन वाली अभी गुस्सा होना है ये आंगन में ना कोनो खंबा ना है जब नोच ली हो जाए आवा थे विष्णु पांडे ना संजा को तो कह दिए तुम का जाए के कलसन में छोड़ हाँ चलो अब गुस्सा होना है जो उनका काम रहा वो मिल गया धूल अरे भंगार कमरे का दरवाजा कैसे खुला है चाबी तो हमरे पास है अरे हाय हाय बिल्लू अरे हमारा चप्पल वा टूट गया अच्छा तो तुम तीनों वहां थे काल लक्षण का कुल लक्षण करके आए हो आए हाय अम्मा अरे कोनो गैर का घर तो है नहीं अब कि कोनो जा नहीं सकत है जो पुलिस की तरह पूछताछ करत हो जासूस बुढ़िया पैर कबर में लटकत हो तब हम आंख तोड़े रथ आए हाय अम्मा अब कोनो जासूसी तो करे आए नहीं रहे हम तो अरे अम्मा कुछ गलत थोड़े ना किए हैं हम लोग अरे घर में कौन कौन सा कोना है पता तो चलना चाहिए ना सबको अरे हाँ अम्मा एकदम सही कह रही है अबे चूहा बिल्ली जा सकत है रूम में लेकिन आदमी ना ही जा सकत है चले भी की तरफ बात ना घुमाओ जौन पूछत है उका जवाब दो चाबी तो हमरे पास रही तो तुम लोग अंदर गई कैसे ये कहा है तुम रहे हाथ माँ कुछ, कुछ कुछ नहीं मामा कहा है कुछ कुछ नहीं मामा कहा है ये तो कुंडली देखा था हाय अम्मा अरे अब कोनो खुशी का काम नहीं होवे दियो का काहे सगुन फैलावत हो अब सगुन हम फैलावत है हे अम्मा अब हम जान कुछ भी बोलत है ना उस सोच समझ के बोलत है ठोक पीट के बजाय के बोलत है अरे ये हमरे देवी का कुंडली है हाँ और आप तो सुहागिन हो नहीं ना ऐसे छुआ छूत मचाइयो और कुछ ऊंच नीच हो जाइए हमरी देवर की किस्मत के साथ तब का होइए अम्मा वैसे भी तो आपको ही पता है ना ये कहावत कि नीच अब जात के आदमी और विधवा औरत से ये सब अभितर्चित नहीं छुआबे के चाहिए
पर वैसे भी अम्मा आपको ना एक ताला चाबी की बहुत चिंता सताई रही है। अब बेटा बहू लोग की कोनो चिंता नहीं है आपको। और वैसे भी भंगार घर में खाली आप ही का तो सामान नहीं रखा है, हम सबका भी रखा हुआ है। अब तो ताला काहे मार दियो आप? अबे अम्मा, मिठू जी जी एकदम सही कह रही है। और अम्मा तुम काहे ना ये मोह माया सब छोड़ दे थो? ऐसे भी अम्मा अपनी छाती पे दबाए के तो तुम ये सब लेके ऊपर जाई हो ना, अब सब ही सब यही रह जाइए। एलियन अम्मा तुम काहे नहीं चाबी हम लोगों को दे देते हो, अपने हमेशा अपने पास ही रखा तो। अबे तुम तो मंदिर में ही रहो, आपन सरक सिधारो बस। हाँ कलसन वाली, जैसे हम ही खाली मरी हैं, तुम लोग तो सब अमृत पी के आए हो ना। अबे अम्मा अबे काहे हमरे मुँह से और खुलवावत हो तुम बात। देखो अम्मा अब तुम मंदिर से आई हो, जाके अपने रूम में माला जपो, राम राम करो ताकि तुमका सरग मिले। आ मम्मी ये कैसी बात कर रही है आप लोग अम्मा के साथ? आजकल ना तुम जवान बहुत चलत है। अबे बिल्ला दीदी अब मिठो जीजी, अबे सुई धागा लेके इका जवान सिल देगा एक को सबद ना मुंह से टपक ना ही पाये नीचे। हां कलसन वाली छोड़ 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 हमने बुटिया को छोड़। कलसन वाली ऐसा अनर्थ ना करो कि शैतान का सिंहासन डोल जाए। शर्म तो है नहीं, अरे भगवान से तो डरो, सबका हिसाब यही बराबर हो जाई है। तो देखते हैं अम्मा कितना बराबर होता है। चलिए जीजी कलसन वाली, कुछ लोगों को ना बुढ़ापे में बड़बड़ाने की आदत है। सही कह रही है बिल्लो दीदी। हाँ तुम सब तो बुढ़ाइयो नहीं ना, ऐसे जवान ही रही हो। बिटिया चलो गुडवा को जाके ये बात कहे का चाहिए। नहीं अम्मा, अम्मा रहने दो, चलो कमरा में चलो। अरे बिटिया तुमका ना ही पता ये लोग सब जोक है जोक, इन पे नमक नहीं डालो ने तो खून चूस जाई है। चलो अब गुडवा ही ये लोगन का होश ठिकाने लगाई है, चलो चलो हम कहते हैं। मैं कहता हूँ कि उस शादी के दिन पूरे कन्नौज में लाइट नहीं जलेगी सिवाय मेरे घर के। अरे भाई मैं पूरी रात किसी को सोने नहीं दूंगा, अरे पूरी रात मेरे इशारे पर बम के धमाके होंगे। अरे मेरी बेटी महादेवी की शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। अरे मैं रज्जू पांडे इतना भी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। रज्जू भैया आप भी ना कभी केस दाखिल कर देते हैं, कभी खारिज कर देते हैं। अरे टीन के ढक्कन है आप, हमेशा बजते रहते हैं। मैं खुशबू का व्यापार करता हूँ और तू झूठ का, समझे? रज्जू भैया झूठ का नहीं, अरे वकालत करते हैं हम। अरे अच्छे अच्छे को अदालत में टंगवाया है हमने। अरे झूठ से ना। अरे एक बात बता देते हैं हम, आप भी टंगेंगे अदालत में अगर कुंडली नहीं मिली तो। हाँ अरे मैं कहता हूँ विष्णु तुम कुंडली की चिंता मत करो, अरे वो काम मैं रज्जू पांडे अच्छे से कर देगा। वर वधु की कुंडली मिलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे उसमें क्या है रज्जू भैया, देखिए हम बताते हैं। महादेवी की कुंडली लड़के वालों को देने से पहले एक बार रुंझुन के हाथ से छुआ लीजिए और फिर हम कहते हैं कुंडली मिलना तय है। हाँ रुंझुन भागों वाली है इसलिए कह रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर तुम रुंझुन के भागों वाली बात नहीं कहो तो क्या बिगड़ जाएगा। अरे दीवार और कान के आपसी रसायन को समझो, अरे संतुलन बिगड़ा नहीं सुने गए, समझे? चलो। अरे रज्जू भैया, अरे डरने की जरूरत नहीं है। अरे सबको पता है कि रुंझुन भागों वाली है, अरे उसके हाथ लगाने भर से बाजी पलट जाती है। अब देखे ना वो गुड्डू शुक्ला, अरे जिससे पूरा कन्नौज डरता था, सब लोग उसके इशारे पे नाचते थे, आज वो खुद रुंझुन के इशारों पे नाच रहा है। अरे कुत्ता बन गया है, कुत्ता पालतू कुत्ता। ओहो
रुनझुन ने शर्त लगाई थी कि वो 30 दिन में इस गुड्डू को बदल देगी। 25वें दिन ये हाल है, साला 30वें दिन तो पाँव पे चलेगा, चारों पाँव पे वो गुडुआ। अरे मैं कहता हूँ विष्णु, ये शर्त रुनझुन ही जीतेगी। शादी के बाद रुनझुन ने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी कि जिस तरह इस गुडुआ ने शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की है, उसी तरह वो भी उसको अदालत में टंगवा देगी। और अब देखना रज्जू भैया, सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में तो रुनझुन शर्त जीत जाएगी। गुडुआ से कोई नहीं डरने वाला है इससे, और रुनझुन की कसम पूरी। रज्जू भैया चलो चलते हैं, चलिए कुंडली ढूंढनी है। चलो। अच्छा तो ये बात है ससुरा, हम तो चुनौती समझ के लड़ पड़े थे और रुनझुन मिश्रा उसको तमाशा बना रहे, साला पूरे पांडे निवास में तमाशा बना रहे, साला गलती हमारी है, अपने सिद्धांत के विरुद्ध जाके उसकी मदद किए और साला पूरे घर में जाके हमको हंसी का सामान बना रहे, हमारा दिल उछाल उछाल के मजे ले रही है, साला पांडे निवास के बच्चे बच्चे को पता है कि शर्त लगी, छोड़ेंगे रुनझुन मिश्रा, छोड़ेंगे नहीं तुमको। गुड्डू बेटा, अब तुम वही कुछ कर रख पड़ी, रुनझुन अब हमारी बिटिया ही नहीं, तुम्हारी धर्म पत्नी है, उनका मान सम्मान तुम्हारा मान सम्मान है, और तुम न ध्यान धरियो तो कौन धरिए? हाँ, वो मामा मामी अब आई तक रुनझुन का अपन नौकर समझते, अरे ओगलोकन का अत्याचार खत्म ही ना ही होत, तुम्हें उन दुष्टन का सबक सिखाई सकत हो। अरे जिससे पूरा कन्नौज डरता था, सब लोग उसके इशारे पे नाचते थे, आज वो खुद रुनझुन के इशारों पे नाच रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोलत का है नहीं? काय नाम, हमको साला फालतू के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, साला बहुत पढ़ ली फालतू के चक्कर में, अपनी पढ़ना हमको साला बहुत गिरा ली अपने आप को, अब और नहीं गिरना चाहते। और वैसे भी अम्मा तुम्हारी नातिन बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा दाव पेच जानती, बहुत बड़ी उस्ताद है, जब हमारे जैसे कुंडे को अपनी मुट्ठी में कर सकती है तो मामा मामी क्या चीज है, उनको तो अपने बाएं हाथ पे कभी भी नचा सकती है। अरे बेटा का बोलत हो, जो संभाल सकर तो मामा मामी का गाली काहे झेल के पड़े, अरे ये अत्याचारन के तुम्हें संभाल सकर तो। अरे अम्मा हमसे कुछ नहीं होगा, ना हम कुछ कर सकते, हमको तो लगता है तुम्हारी नातिन को अत्याचार सहने की आदत डाल लेनी चाहिए, और अगर नहीं सह सकती तो दीमक बन जाए, जैसे हमको खोखला किए जा रही है वैसे मामा मामी को भी खोखला कर दे। अब 5 दिन की बात है अम्मा, बस 5 दिन, साला 5 दिन बाद तो वैसे ही सब करना है ना, फिर अभी से क्यों नहीं, हम साला फालतू में खड़े नहीं रहेंगे, हमको खड़े रहने को कोई शौक नहीं, ना बोलने का कोई शौक, साला हम जा रहे हैं।
बुढ़वा को कैसन बात कर रहा है? हाँ तुम दोनों में बोलचाल बंद है का? और तुम कब दिमाग बनके गुड़वा को खोखला किया? रोटना मनाना तो ठीक है, लेकिन झगड़ा नहीं होवे का चाहिए। नहीं अम्मा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गुड्डू का मिजाज ठीक नहीं दिखाते। आदमी जब गुस्सा में होए ना तो हर बात का अर्थ निकालत है। दोनों प्राणी में जब नाराजगी होए ना तो एक के नरम पड़े का जरूरत है। अगर तुम बोलो हम बात कर। नहीं, ये बात हम खुद ही सुलझाएंगे। और वैसे भी अम्मा, तुमने ही कहा था ना कि पति और पत्नी की बात उनके बीच में रहनी चाहिए, तो हम खुद ही सुलझाएंगे। तो ठीक है, तुम ही उसका साथ बात करो। और देखो, देर ना करो, बात बढ़ावे से बढ़त है। दोनों बैठ के आराम से बतिया लो और सुलझा दो सब, ठीक है ना? हम तुम तो होशियार हो। हाँ चलो। जिस बात को हम 25 दिन में नहीं सुलझा पाए, उसे सिर्फ 5 दिन में कैसे सुलझाएंगे? हम यही सोच के डरे हुए हैं कि जब तुमको सच पता चलेगा तो तुम क्या सोचोगे। अबे क्या कह रहा है मिट्ठू जीजी विष्णु पाड़े है कि वो अम्मा हीरोइन को लेके गुड़वा के कमरे में जात रही। अगर गुड़वा से अम्मा शिकायत कर दी कि हम हीरोइन का हाथ मरोड़े रहे, तो जैसे हम हीरोइन का हाथ मरोड़े रहे ना, वैसे ही गुड़वा हमारा। अरे अबे क्या करे बिल्लो दीदी, जो हम का गुड़वा मिर्चाई वाला समोसा खिलाए रहा ना, उसे हमारे मुंह पे तक जलत है। पांडे जी, अब हम ऐसा करते हैं ना कि अभी जाए के ना कुंडली बनवाई के ले आवत हैं, तो अच्छा रहिए। काहे कि ज्योतिषी बाबा नहीं तो घर चल जाइए, अभी जाइए तो गद्दी पर बैठन मिल जाइए, तो हम जल्दी जल्दी जाते हैं। हां हां तब। अरे मिट्ठू जी, चलो 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 जल्दी निकल लो। पर मिट्ठू जी, हम बिना आपके साथ चलते हैं, काहे कि मोल भाव करने में हम बहुत ही अच्छे हैं ना। अरे मिट्ठू जी, पिछली बार हम अपनी बहन की कुंडली बनवाए थे, 600 रुपए का काम हम 300 रुपए में निपटाए थे। चलिए चलिए। अब कहाँ जा रही हो मिट्ठू जी और दीदी? अबे हाथ में ढेला देखते ही ना कौवा के जैसे ज्यादा ना ही उड़े लगो। और हम ना अकेले ही वो हीरोइन का हाथ ना ही मोड़ोड़े रहे। अबे तुम दोनों जना भी वहीं पे थी, तो काहे मिट्ठू जी हम अकेले ही वो गुड़वा के नाम का बुलडोजर झेले? अभी तुम दोनों जना ज्यादा पूछ दबा के भाग नहीं बताई देते हैं। अरे कलसन वाली, अरे तुमको पता है ना कि हम बहुत ही जरूरी काम से जा रहे हैं, और कुंडली बनाना बहुत ही जरूरी है हमरे लिए, पता है कि नहीं? मिठो भाभी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? देखो ज्योतिषी के पास आप आराम से चली जाना। हम लोग ने ना वो गुडुआ को ना ऐसा अदालत में टांगा है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं कहता हूँ विष्णु, अरे हम नहीं, मैं तुम भूल रहे हो, मैंने गुड्डू को गुमराह किया है। अरे मैंने ऐसा काम किया है कि गुड्डू कभी रुंझुन के पक्ष में नहीं बोलेगा। हाँ हमरे